दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार हत्या के आरोप में भले ही जेल के अंदर हों, लेकिन उनका जलवा कायम है। स्टार पहलवान का ये जलवा उस समय भी देखने को मिला जब 25 जून शुक्रवार को उन्हें दिल्ली में मंडोली जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जा रहा था। जो पुलिस वाले सुशील को लेकर तिहाड़ जा रहे थे वो भी उनके स्टारडम को लेकर खूब इंप्रेस हो गए, फोटोशूट कराने लगे, सेल्फियां खिंचवाने लगे। सुशील के साथ पुलिस वालों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गईं। तस्वीरों में ये साफ देखा जा रहा है कि वर्दी पहने हुए पुलिस वाले भी सुशील के साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। कुछ लोग खुद ही सेल्फी लेने गए। कैदियों की सुरक्षा में तैनात हथियारों से लैस गार्ड भी फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें उस समय की हैं जब सुशील को तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जा रहा था। पीछे पुलिस की वैन भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। वीडियो बनाए जाने तक इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया था। सुशील के साथ पुलिस वालों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही कुछ लोग दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाने लग गए हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि पुलिस का काम हत्या के आरोपी के साथ फोटो सेशन करना नहीं है। कुछ ने यह भी कहा कि दिल्ली में गाड़ी में अकेले रहने पर भी मास्क न लगाने पर प्रशासन से जुड़े लोग जुर्माना वसूल लेते हैं, लेकिन सुशील के साथ फोटो खिंचवा रहे ये लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना ही इन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। अब बात उस मामले की जिस कारण से सुशील जेल में है। सुशील कुमार और उनके साथियों पर यह आरोप है कि उन्होंने सागर धनखड़ की पीट पीट कर हत्या कर दी। 4 मई 2021 की रात करीब 11 बजे दिल्ली के मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में कुछ लोग एक फ्लैट पर पहुंचे। इन लोगों के हाथों में डंडे हॉकी स्टिक थे। आरोप है कि इन लोगों ने यहां रहने वाले युवा रेसलर सागर धनखड़ और उसके साथियों को किडनैप किया। पीड़ितों ने पुलिस को जो बयान दिया उसके मुताबिक सुशील कुमार नीचे कार में बैठे हुए थे और उनके हाथ में पिस्टल थी। गन पॉइंट पर होंडा सिटी कार में सागर और उसके साथियों को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। आरोप है कि यहां सुशील और उसके साथियों ने सागर और उसके साथियों को जमकर पीटा। सभी बुरी तरह से घायल हुए और सागर ने दम तोड़ दिया। इसी के बाद से सुशील कुमार फरार हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने उन पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी रखा था। आखिरकार 23 तारीख को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस केस में अब तक सुशील कुमार सहित 10 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी सुशील रिमांड पर हैं। शुक्रवार 25 जून को एक बार फिर सुशील की रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी आदित्य ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।